एपोवा से जुड़ी छात्र अपनी मांग को लेकर इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपना मर्यादा का ख्याल भी नहीं रखा। शुक्रवार को उनके व्यवहार से विश्वविद्यालय के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया। पिछले तीन दिनों की तरह ही शुक्रवार की सुबह भी छात्र धरने पर थे। सुबह 10 बजे एपोवा से जुड़ी लोग भी आए और धरना पर बैठ गए। करीब 1.5 घंटे तक अपने मुखिया को बुलाने के लिए छात्र अड़े हुए थे। इस बीच कुलपति छात्रों से बात किए बगैर सीधे अपने कार्यालय की ओर चले गए, पर छात्रों का गुस्सा भड़क गया। मगर कुछ लोगों ने समझाया और एक बार फिर से छात्र वहां से उठकर कुलपति कार्यालय के नीचे धरना पर बैठ गए। छात्रों ने एक बार फिर मांगों को दोहराया और कहा कि कुलपति जी आइए, हमारी बात सुन लीजिए, हम आपके ही छात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुलपति कार्यालय से निकलकर सीधे गाड़ी की ओर जाना चाहते थे। उनका रुख देखकर छात्र भड़क गए और सीधे हदें पार कर दी। पीछे से एक आवाज लगी, पकड़ो पकड़ो, फिर भाग रहे कुलपति जी। इस तरह छात्रों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। दोपहर का वक्त था, कुलपति ने खुद निकलने से पहले पुलिस बुला ली थी। पहले ही एक गाड़ी पहुंची थी, फिर सीओ आ गए और देखते ही देखते परिसर में पुलिसकर्मियों की भीड़ लग गई। छात्र को पहले लगा कि पुलिस कुलपति से उनके विवाद को सुलझाने के लिए आई है, लेकिन पुलिस वालों की भीड़ से कुछ छात्र ने अंदाजा लगाया था कि कुलपति जी सीधे चले जाएंगे। यही वजह था कि छात्र उग्र हो गए और लात घूंसे चलने लगे। इस घटना में कुलपति और कुल सचिव को भी निशाना बनाया गया। ऐसा नहीं है कि छात्रों का गुस्सा शुक्रवार को अचानक भड़क गया। पिछले करीब एक महीने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं छात्र संगठन एपोवा के बीच खींचातानी चल रही थी। इसी शुक्रवार 26 जून को हो गई थी। छात्रों की फीस वृद्धि और परीक्षा परिणाम घोषित करने जैसे छात्रहित के मुद्दों को लेकर प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कार्यालय के पास छात्र जुटे थे और देखते ही देखते पुलिस और आपस में भीड़ गए और कॉलेज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस और एपोवा के समर्थकों में जमकर मारपीट भी हुई।